हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम त्रिभुजों की गणना सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो हमारा टाइप फर्स्ट दिया है और इसमें त्रिभुज दिया है, इन त्रिभुजों की हमें गणना करनी है। हमें ये बताने हैं कि इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2। इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इतना करने के बाद इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2, तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार हम इन नंबरों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 और 2 3 3 3 6। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार हम इनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 2 1 3 और 3 6, 6 में 4 जोड़े तो कितना आएगा, 10। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। हमारा नेक्स्ट त्रिभुज दिया है, इसमें हमें ये बताना है इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हम इनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 21 त्रिभुज हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट त्रिभुज दिया है और इस त्रिभुज में हमें ये बताना है कि इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 6 13 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25 और 25 2 27, 27 1 28। तो इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं, 28 त्रिभुज। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टाइप दिया है, इसमें हमें त्रिभुज की गणना करनी है। इस आकृति में हमें बताने हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2। नंबरिंग करने के बाद इनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2, टोटल कितने आएंगे, 3। लेकिन इसमें इस तरफ भी नंबरिंग करेंगे, यहाँ त्रिभुज कितना है, 1, यहाँ कितने त्रिभुज हैं, 2। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, 1 2। तो 2 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 दुनी 6, तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज। इसी प्रकार हमें इसमें ये बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो पहले इनको जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। अब ऊपर से गिनेंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3, तो 6 का गुणा हम किसमें करेंगे, 3 से, तो 36 18। तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, 18 त्रिभुज हैं। हमारे नेक्स्ट त्रिभुज दिए हैं, इनमें हमें ये बताने हैं इनमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 3 और 4 7 7 3 10। अब इसमें ऊपर से गिनेंगे कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे जिससे हमारी कुल त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगी।
तो 10 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा 40। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 40 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार इस त्रिभुज में हमें ये बतानी है इन त्रिभुजों में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको हम जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 7 × 6 = 13 × 5 = 18 × 18 = 22 × 23 = 25 × 25 = 27 × 28 अब ऊपर से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसमें हम 6 से गुणा करेंगे, 8 × 48 = 4 6 × 12 = 12 जुड़े तो कितना आएगा 16। तो इसमें कितने कुल त्रिभुज हैं, 168। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।